झिलमिलाती झालरें, तोरण, सजावटी सामान, दीपक, रंग बिरंगी लाइटें, यह सब बनाई है परदेशीपुरा स्थित भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में रहे भिक्षुकों ने। कल तक सड़कों पर जो भीख मांगते थे वे अब आत्मनिर्भर बन चुके हैं, और अपनी आत्मनिर्भरता का परिचय देते हुए उन्होंने यह दीपावली की सजावटी सामान बनाया है। परदेशीपुरा स्थित भिक्षुक पुनर्वास केंद्र के बाहर इन भिक्षुकों के लिए दो दुकानें भी लगाई गई हैं, जहां से लोग दीपावली का सजावटी सामान खरीद सकते हैं। इंदौर स्वच्छता में नंबर वन आने के बाद अब भिक्षा वृत्ति यानी कि भिखारी मुक्त करने में भी नंबर वन होने जा रहा है। इंदौर स्मार्ट सिटी के CEO दिव्यांग सिंह ने भिक्षुकों के द्वारा बनाई गई सामग्री के स्टॉल का उद्घाटन कर उनका मनोबल बढ़ाया। IMC इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा भिक्षुक मुक्त इंदौर एक पायलट में चलाया गया था। प्रवेश संस्थान जो है उसने काफ़ी बढ़िया काम किया है। बेसिक उसका एम ये था कि एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएं और ये पता करें कि किस तरीके से हम लोग रिहैबिलिटेट कर सकते हैं जितने भी भिक्षुक हैं इंदौर के अंदर उनको, और कैसे उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है, वापस समाज के अंदर उनका जो है इंटीग्रेशन किया जा सकता है, किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, वापस एक आत्मनिर्भर बन सकते हैं, एक आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं। तो वो कार्य किया गया है, एक पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आगे भी इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो किया जाएगा, और कोशिश किया जाएगा कि सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जितने भी भिक्षुक हैं, उनके पीछे कारण पता किया जाए किस कारण से वो जो है वो भिक्षा मांग रहे हैं, और किस तरीके से उनको वापस पे एक सम्मानजनक तौर पर वापस से सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट किया जाए।